गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश सब्जेक्ट की चैप्टर फोर को स्टार्ट करेंगे और जो लेसन है वो है सेल्फिश जायंट। तो चलिए इस स्टोरी को हम रीड कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से सुने। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। एवरी आफ्टरनून आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रेन यूज टू गो and play in the giant's garden where the grass was green and soft and beautiful flowers blossomed all around. हर रोज़ दोपहर को आप स्कूल के बाद बच्चे जो है एक गार्डन में खेलने जाते थे जो कि एक जाइंट यानी एक दैत्य का गार्डन था, और उस गार्डन में चारों तरफ मुलायम हरे घास फैली हुई थी और काफ़ी सुंदर और खूबसूरत फूल चारों तरफ खिले हुए थे अलग अलग पेड़ों पौधों में। There were 12 peach trees that broke out into pink blossoms. और उस गार्डन में 12 पीच ट्रीज थे, पीच जिसे हम हिंदी में आड़ू भी कहते हैं। सो 12 पीच ट्रीज थी जिनके सुंदर गुलाबी फूल खिले हुए थे इन द स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम यानी बसंत के मौसम में। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड sang स्वीटली। और बसंत के मौसम में पीच ट्रीज के ऊपर जो है खूबसूरत बर्ड्स बैठती थी और मधुर संगीत गाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। द जायंट हैड गॉन ऑन ए लॉन्ग विजिट टू हिज फ्रेंड। ऑन हिज रिटर्न टू हिज ओन कैसल ही सॉ द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन हिज गार्डन। उस वक्त जायंट जो था वो अपने एक मित्र से मिलने गया हुआ था, लेकिन वो जब वापस आया अपने महल में तो उसने देखा कि उसके गार्डन में सारे बच्चे खेल रहे थे। तो गुस्से में उसने चिल्लाते हुए पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस। तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। माई गार्डन इज माई ओन, आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और साथ ही साथ उसने कहा कि ये गार्डन जो है वो मेरा है और इस गार्डन में किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं दूंगा सिवाय मुझे। द चिल्ड्रेन गॉट अफ्रेड एंड रैन अवे। बच्चे जो है डर के वहाँ से भाग गए। देन ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, ही ऑल्सो पुट अप अ नोटिस। फिर उसने क्या किया, अपने गार्डन के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और गार्डन के बाहर उसने एक नोटिस लगा दिया जिस पे लिखा हुआ था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मीन्स कि बिना अनुमति आने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द लिटिल चिल्ड्रेन नाउ हैड नो वेयर टू प्ले। अब बच्चों के लिए खेलने की कोई भी जगह नहीं थी। दे वुड वैंडर अराउंड द हाई वॉल एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। अब वो बच्चे गार्डन के चारों तरफ दीवारों के आसपास भटकते रहते थे और आपस में बातें करते थे कि गार्डन कितना खूबसूरत था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। देन इट वॉज स्प्रिंग अगेन, फिर काफ़ी वक्त गुजर गया और अगले साल वसंत का मौसम जो है वो फिर आया। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स चर्पिंग। पूरे देश भर में फूल खिले हुए थे और बर्ड्स भी चहचहा रही थी, लेकिन ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन सिर्फ जायंट के यानी दैत्य के गार्डन में ही अभी भी जो है ठंड की मौसम मौजूद थी। स्प्रिंग की मौसम अभी भी उसके गार्डन में नहीं आया था। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग इन इट एंड द ट्रीज डिड नॉट ब्लॉसम। उसके गार्डन में ना कोई बर्ड्स आते थे, ना वो चहचहाते थे और ना ही कोई भी फूल खिला था। द स्नो कवर्ड द ग्रास, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। घासों के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और जायंट जो है खुद अपने आप में सोच रहा था और कह रहा था, आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। वह सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वसंत का मौसम आने में इतनी देर क्यों हो रही है। सेट द सेल्फिश जायंट टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। ये अपने गार्डन की तरफ देखते हुए वो मन में सोच रहा था।
One morning, the giant heard the chirping of a bird. It sounded sweet to his ears. "I believe spring has come at last," he said, and jumped out of bed and looked out of his window. एक दिन क्या हुआ, सुबह में अचानक जाइंट को चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी और ये काफ़ी मधुर ध्वनि थी, और उसने मन ही मन सोचा शायद वसंत का मौसम जो है आखिरकार आ ही गया है, और वो तुरंत उछल कर अपने बिस्तर से खिड़की से बाहर देखने लगा. द जाइंट सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट. जाइंट ने एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. उसने देखा कि उसने जो दीवारें खड़ी की थी गार्डन के चारों तरफ, उस दीवारों में एक सुराख के ज़रिए सारे बच्चे जो है गार्डन के अंदर आ गए हैं और पेड़ों के टहनियों पर बैठकर खेल रहे हैं. एंड द ट्रीज़ वर कवर्ड विथ ब्लॉसम्स. और सारे पेड़ों पे खूबसूरत फूल खिले हुए थे. द बर्ड्स वर ट्विटरिंग, द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास. चिड़िया जो है आपस में चहचहा रही थी और फूल जो है हरी घासों से बाहर निकलकर देख रही थी. ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द जाइंट्स गार्डन, इट वॉज स्टिल विंटर इन इट, स्टूड अ लिटिल बॉय. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली. उसने देखा कि सिर्फ उसके गार्डन के एक कोने में अभी भी ठंडी की मौसम थी जहाँ बर्फ जमा हुआ था, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. वो इतना ही छोटा था वो बच्चा कि वो पेड़ों के टहनियों पे नहीं चढ़ पा रहा था, और वो ज़ोर ज़ोर से रो भी रहा था. द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. यह देखकर जाइंट यानी दैत्य का हृदय जो था, दिल जो था, वो पिघल गया और वो सोचने लगा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हूँ. नाउ आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. और बस उसने सोचा कि अब मुझे समझ में आया कि वसंत का मौसम जो है वो क्यों नहीं आ रहा था. आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन विल बी द चिल्ड्रंस प्लेइंग ग्राउंड प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और उसने सोचा कि मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा और जो दीवारें मैंने खड़ी करवाई है गार्डन के चारों तरफ उन्हें गिरा दूंगा, और ये गार्डन जो है बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड हमेशा के लिए बन जाएगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. और उसे काफ़ी दुख था, बहुत दुख था कि उसने जो भी किया. द जाइंट वेंट इन टू द गार्डन बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम they were so frightened that they all ran away. अब जो है जाइंट जो है गार्डन के अंदर जाता है और उसे देखते ही सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं. Only the little boy did not run because his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming towards him. सारे बच्चे भाग तो गए, लेकिन वो बच्चा जो रो रहा था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पेड़ के नीचे, वही बच्चा सिर्फ नहीं भागा. क्यों? क्योंकि वो रोने की वजह से उसके आँखों में पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसने जाइंट को आते हुए नहीं देखा. उसके बाद क्या होता है, द जाइंट कैरीड द लिटिल बॉय जेंटली इन हिज आर्म्स एंड पुट हिम ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. फिर उसके पास जाकर जाइंट ने बच्चे को काफ़ी आराम से उठाया और उठा के पेड़ के ऊपर उसने एक ब्रांच पे बिठा दिया. The tree immediately broke into blossom and the birds came and sat on its branches and sang sweetly. और जैसे ही जाइंट ने उस बच्चे को ब्रांच के ऊपर बिठाया, वैसे ही तुरंत सारे फूल खिल गए उस पेड़ पे अचानक से, और बर्ड्स भी आ गए और साथ ही साथ वो गुनगुनाने भी लगीं. The other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back and with them
केम द स्प्रिंग। और जैसे ही सारे बच्चे जो भाग गए थे वहाँ से, उन्होंने देखा कि जाइंट जो है अब ये उतना दुष्ट नहीं है, ये दुष्ट नहीं रहा, तो सारे बच्चे फिर वापस गार्डन में आ गए और उन सारे बच्चों के साथ साथ वसंत का मौसम भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन, सेड द जाइंट एंड ही नॉक डाउन द वॉल। और फिर जाइंट ने सारे बच्चों को कहा कि बच्चों आज से ये गार्डन जो है तुम लोगों का है। और ये कहते हुए उसने गार्डन के चारों तरफ खड़ी जो दीवारें थी उसे उसने तोड़ गिराया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अगले वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।